ये वॉचमैन कहाँ गया? कोई भी सोसाइटी में घुस रहा है। कहाँ जा रहा है ये? जोया के घर? चिट्ठी दे रहा है? कोई दोया का आशिक तो नहीं? कितनी धूल है यहाँ पे? तेरे मेरे होठों पे। अगो भाई, सस माँ, क्या बात है? आज हिंदी गाने मैं और जोया डार्लिंग इस गाने पे डांस बिठाने वाले हैं। इस गाने के ऊपर? सासु माँ, क्या जरूरत है डांस क्लास और ये करने की? खुद तो कुछ नहीं करती, मैं करती हूँ वो भी तेरे आंखों में खलता है। अरे मुझसे जरा इंस्पिरेशन ले, देख मैं कैसी हूँ। कोई जरूरत नहीं है। मत कर कुछ, ऐसी रह। मैं ऐसी ठीक हूँ। ऐसी बैठ, मैनर्स लेस। वैसे सासु माँ, आपको जोया को देख के ऐसा नहीं लगता कि वो कुछ छुपा रही है? छुपा रही है? हाँ, मैं जब भी उसकी आंखों में देखती हूँ ना ऐसे। तुझे और काम में क्या होता है? बस लोगों की आंखों में देखना, घरों में देखना, यही आता है। मुझे हर बार ऐसा लगता है कि वो कुछ छुपा रही है। छुपाने देना, तेरा क्या जाता है? जानना है मुझे। बस लोगों की जिंदगियों में क्या चल रहा है उसके मजे लेने हैं तुमको। मुझे तो लगता है उसको कोई लफड़ा है। चुप कर, खुद है लफड़ेबाज, इसलिए बाकी भी सब दिखते हैं लफड़ेबाज। मैंने क्या लफड़ा किया? मेरे बेटे के साथ क्या किया? अच्छा, अगर आप लव मैरिज को लफड़ा बोलती हो तो आपने भी किया? हमारा लफड़ा नहीं, लफड़े के बहुत आगे था। आई जस्ट मीन कि हमारा प्योर लव था, प्योर ट्रू लव। शर्मिला, आती हूँ। सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। तुमको मॉर्निंग मॉर्निंग में एक ब्रेकिंग न्यूज देनी है। क्या हुआ? ऑफिस जोया के पास कोई आया था। उनके यहाँ तो रोज ही बच्चे आते। बच्चे नहीं, बड़ा। काला कुर्ता पहने एक लड़का आया था, मुंह पे पट्टी, सब मुंह ढका हुआ। आगू भाई? हाँ, उसके घर गया, उसको चिट्ठी दी। पता नहीं उसमें क्या था। जोया ने ऐसी चिट्ठी देखी, ऐसी हंसी और अंदर चली गई। कुछ बोल रही थी दोनों? नहीं ना, कोई बातचीत नहीं हुई, बस आंखों ही आंखों में कुछ इजहार हुआ। पता नहीं क्या था वो। क्या लगता है, कोई लफड़ा तो नहीं उसका? एक ही दिन हुआ है, हम किसी को लफड़ेबाज नहीं बोल सकते। हो गया आपके डांस क्लास? जी हाँ शर्मिला जी, मेरे डांस क्लास हो गए। जोया जी? हाँ। अभी आपके यहाँ पे काला कुर्ता पहने हुए आदमी आया था। वो एक जरूरी काम से आया था। उन्होंने आपको एक चिट्ठी दी, क्या लिखा था चिट्ठी में? आपकी बहुत नजर होती है। वो तो मेरी ऐसे ही नजर पड़ गई ऊपर, देखती नहीं, मैं ऐसे कर रही थी, ऐसे ऐसे ऐसे। दरअसल उस चिट्ठी में ये लिखा था कि हमारी बेटी को डांस सीखना है, क्या आप सिखाओगी? तो मैंने उसको हाँ कर दिया। जहां तक मैंने देखा आपने उसके साथ कोई बात नहीं की। उसको नहीं, उसके मालिक को। चिट्ठी में नंबर था उनका, मैंने उनको कॉल करके हाँ कर दिया। जोया जी, ऐसे लोग उनसे ना जरा संभल के रहना, क्या है हमारी जान पहचान नहीं होती। या फिर आप जानती हो उन्हें? नहीं नहीं, मैं उनको नहीं जानती, इसलिए मैंने कहा ऐसे लोग उनसे जरा दूरी रहा कीजिए। वैसे जोया जी, आप यूपी में रहती हो ना? जी हाँ। वैसे लखनऊ में आपकी फैमिली कहाँ पे रहती है? आपकी फैमिली में कौन कौन है? पापा क्या करते हैं, माँ क्या करती है? सुमित्रा जी, मैंने आपको पहले भी बताया था, मैं मेरी निजी जिंदगी के बारे में ज्यादा नहीं बोलती, मुझे पसंद नहीं। मुझे पता है आपने शुरुआत में मना किया था, पर तब आप नई नई आई थी, अभी आपको आए बहुत दिन हो गए। बता दीजिए क्या है बात, थोड़ा सा और हम घुल मिल जाएंगे सोसाइटी में। जोया जी, आप इतने दिनों से यहाँ पे रह रही है, बता दीजिए अब छुपाने का क्या है इसमें? शर्मिला जी, सोसाइटी में मैं रहती हूँ, मेरी फैमिली नहीं। आपको जो भी कनेक्शन बनाने हैं मुझसे बनाइए, मेरी फैमिली के साथ नहीं। हम इतना अच्छे से बात कर रहे हैं, आप हमें उल्टा टांग रहे हो। बहुत वैसा जी आपका, आज आपको सच्चाई बतानी पड़ेगी। एक तो मैं सोसाइटी की नंबर 1 खबरी हूँ, मुझे सब खबर लगती है, किसका क्या है, उसका क्या है,
पर आपका आज तक मुझे कुछ पता नहीं चला। बताइए मुझे। सुमित्रा कंट्रोल कंट्रोल। शर्मिला मुझे रोको मत, आज मैं सच्चाई जान के रहूंगी। इतने दिनों से आप ये निजी जिंदगी कर रहे हो, बताइए मुझे क्या बात है, क्यों जानना है आपको, क्या मिलेगा आपको जान के, मजे? सुमित्रा कंट्रोल, पता चल जाएगा इनका भी क्या है लफड़ा, क्या है प्रॉब्लम। सोसाइटी में हम सब भी रहते हैं, हमारी फैमिलीज के बारे में, हमारे बारे में सबको सब पता है। हाँ ना, अभी हमारा ये देखिए सब खुल्ला खुल्ला होता है। आप दोनों तो हो ही बेशरम। बेशरम क्या, देखो देखो कैसा बोल रही है ये आप। बहुत इरिटेटिंग आवाज़ है आपकी, और हंसी उससे भी ज़्यादा इरिटेटिंग। जान बूझ के राय का पहाड़ कर रही है ना, हम भी बनाते हैं पहाड़ की राय। रुको रुको जरा, तो बहुत हुआ तुम्हारा। क्या हुआ जोया? मैं नहीं बताना चाहती हूँ अपनी फैमिली के बारे में कुछ। ये क्यों कर रही है मुझे फोर्स? बार बार मेरी निजी जिंदगी में दखल अंदाजी कर रहे हैं। अगो भाई, इसमें क्या दखल अंदाजी? हम सिर्फ ये पूछ रहे हैं कि आपके फैमिली में कौन कौन है, क्या करते हैं, आप यहाँ पे क्यों आई हो, ऐसा वैसा बस। शर्मिला जी, सुमित्रा जी, ये क्या है? आपने क्या ठान लिया है क्या लोगों की जिंदगी में बस ताक झाक करनी है? शर्मिला जी आप जरा चुप बैठिए, आपसे कोई बात नहीं कर रहा। आप कौन होती हो मुझे चुप करने वाली? जब देखो तब मुंह उठा के बात करती रहती हो, बदतमीज कहे की। मुंह उठा के क्या, मुंह उठा के क्या? यही जो कर रही हो ना अभी, उसी को कह रही हूँ मैं, मुंह उठा के। खुद का मुंह देखिए पहले। मेरा मुंह बहुत अच्छा है, आप सभी कहते हो। 4 किलो मेकअप लगाती हो, मेरा मुंह अच्छा है, अच्छा ही दिखेगा ना। तो आप भी लगाए 4 किलो मेकअप, किसी ने रोका है आपको? मैं क्यों लगाऊ, मेरी नेचुरल ब्यूटी है। ये हुई ना बात शर्मिला, क्या पॉइंट मारा है, नेचुरल ब्यूटी, सच में हो तुम नेचुरल ब्यूटी। बदमाश आते। सुमित्रा बिन शर्मिला बिन क्या हुआ? शशि बहन ये देखिए ना, हमने एकदम नॉर्मल सा क्वेश्चन किया था जोया जी को कि आपकी फैमिली में कौन है, कहाँ पे आपका घर, तो ये भड़क गई मैडम। मेरी निजी जिंदगी में दखल अंदाजी मत करो। जोया जी हम सोसाइटी में एक फैमिली की तरह रहते हैं, फिर अगर आपकी फैमिली के बारे में कुछ बोलते तो आपको इतना बुरा क्यों लगना चाहिए? मेरी लाइफ मेरी मर्जी, आप सब कौन होते हो? ये देखिए जोया जी, ये आपका कुछ ज्यादा हो रहा है। क्या क्या ज्यादा हो रहा है? यही यही ये जो आप छुपा रही है ना, यही सबसे ज्यादा हो रहा है। What happened, Zoya, darling? बहुत अच्छा हो गया आप आगे श्रेया की दादी, इन सबको कुछ समझाइए ना। मैं कुछ सवालों के जवाब नहीं देना चाहती, पर ये सब बार बार मुझे फोर्स कर रही है। बहू क्यों पूछ रही है उससे कुछ? सासू माँ हम एक सोसाइटी में रहते, एक दूसरे के बारे में जानने का पूरा हक है सबको। चुप कर, मैनर्स लेस औरत। और तू बहुत जबान चल रही है तेरी। शशि बाबू तू चल अंदर चल। हाँ हाँ जाती हूँ जाती हूँ। ए चुचुंदर मुखी औरत, दिखा अपने बिल।